My dear viewers, Assalamualaikum. Hope you all are enjoying good day. Welcome to my channel Learn and Earn. Today, my topic is MS Office Word 2016, lecture number 9. जी, आज हमारा last lecture है word का. आज मैं आपको word पूरा complete सिखा दूंगी. जो functions बीच में रह जाएंगे वो मैं आपको एक day रखूंगी. उसके अंदर आपको ज़रूर सिखाऊंगी. आज की वीडियो थोड़ी लॉन्ग है बट बहुत इन्फॉर्मेटिव है. आप लोग ज़रूर एंड तक देखिएगा, इससे आप लोगों को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी. उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आएगी. और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक के बटन को प्रेस करिएगा एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा मेरा चैनल, और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहें और आप उन्हें देख के इन्फॉर्मेशन हासिल करते रहें. जी, आज के लेक्चर में मैं आपको लास्ट टू पार्ट्स जो हमारे रह गए थे वो मैं आपको आज व्यू एंड जो पिछला पार्ट है वो मैं आपको सिखा दूंगी सारा. उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ आएगी, और अगर आप लोगों को कुछ समझ ना आए तो आप लोग ज़रूर मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा ताकि आप लोगों की जो भी कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाए और आप बआसानी इस वर्ड को यूज़ करना सीख सकें. तो चलिए आइए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं. इससे पहले मैं आपको इंसर्ट, डिज़ाइन, लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग, ये सब कुछ सिखा चुकी हूँ. आप देख सकते हैं मैंने ये वाला टैब आपको सारे सिखा चुकी हूँ मेलिंग पर. ओके, आज हमारे पास आता है टॉपिक रिव्यू का. आज हम यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा आज हम अपना वर्ड को कंप्लीट कर देंगे. तो चलिए आइए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं. जी व्यूअर्स, जैसा कि आपको मेरे सामने ये एक पैराग्राफ लिखा हुआ नजर आ रहा है और इसका ये जो लर्न एंड अर्न है इसका फॉन्ट भी चेंज हुआ हुआ है. अब ये कैसे हुआ है ये मैं आपको अपने पहले लेक्चर में सिखा चुकी हूँ. अगर आपने देखा है तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा और ऊपर आई बटन में भी आप इसका लिंक देख सकते हैं. चलिए आइए अपना रिव्यू टैब स्टार्ट करते हैं. जी व्यूअर्स, जैसा कि आपको नजर आ रहा है मैंने पहले से रिव्यू के ऊपर क्लिक किया हुआ है. उसके अंदर हमारे पास सबसे फर्स्ट ऑप्शन जो आती है वो है स्पेलिंग एंड ग्रामर. अब ये क्या होती है ये हम देखते हैं. देखिए, सबसे फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास ये आती है, ये वाली सबसे नंबर वन पे आती है. अब जब मैं इसके ऊपर क्लिक करती हूँ, देखिए जब यहाँ पे क्लिक किया तो उसके ऊपर नीचे ऑप्शन आ गया, हमारे पास बॉक्स बना हुआ आया हुआ है, पूरी उसने उसकी मिनी डेफिनेशन बता दी है. ये देखिए यहाँ पे स्पेलिंग एंड ग्रामर, F7 से आप इसको सिलेक्ट भी कर सकते हैं, F7 से भी आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ से भी आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं क्लिक करके. अब ये क्या होती है देखें, जैसे कि यहाँ पे इससे मेरे सामने एक पैराग्राफ है, ठीक है, ये एक पैराग्राफ मेरे सामने मौजूद है. अब इसके अंदर ये क्या करेगा, स्पेलिंग एंड ग्रामर जैसे कि नाम से ये इसका शो हो रहा है, ये देखिए जब मैं यहाँ पे अभी ये बिल्कुल सही पैराग्राफ लिखा हुआ है मेरे पास. अब मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे पब्लिश्ड में ई को हटा देती हूँ, उसके बाद यहाँ पे क्रिटिसाइज में आई को हटा देती हूँ, देन यहाँ पे अंडरस्टैंड में ई नहीं डालती. ये मुख्तलिफ ग्रामेटिक मिस्टेक्स और स्पेलिंग मिस्टेक्स मैं कर रही हूँ, ठीक है, यहाँ पे ये आ गया. अब इधर लास्ट में मैं यहाँ पे ये नहीं डालती, हटा देती. अब देखिए यहाँ पे जब मैंने ये सब कुछ किया तो ऑटोमेटिकली कंप्यूटर में डिक्शनरी सेव होती है, वहां पे जाके ये हमारा रेड लाइन इसके नीचे आ रही है. इट्स मीन कि अभी इसके अंदर स्पेलिंग मिस्टेक है. अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ, मैं एक टेक्स्ट टाइप करती हूँ, वर्ड कंप्यूटर. अब देखें मैंने इसको एंटर कर दिया. अब यहाँ पे आपके सामने जब मैं यहाँ पे ऐड करूंगी, यहाँ पे अभी ऐड है ये, ठीक है, जब मैं यहाँ पे ये ऐड कर दूंगी तो वो आगे हमसे पूछेगा, ये तो क्वेश्चन है, इसके आगे तो मैंने क्वेश्चन मार्क नहीं डाला. अब यहाँ पे नीचे आपको ग्रीन लाइन आ जाएगी जब मैं यहाँ पे इसको लिखूंगी. अब जब मैं इसके ऊपर क्लिक करती हूँ स्पेलिंग एंड ग्रामर के ऊपर, तो ये देखें उसने ये हमारा वर्ड लिख दिया है स्पेलिंग एंड ग्रामर में, ये देखें. अब यहाँ पे वो इस साइड पे दिखा रहा है ये वाले सही स्पेलिंग, सबसे नंबर वन पे, ये देखें.
इस साइट पे, ये जो हमारी पब्लिश था, जब मैंने ग्रामर एंड स्पेलिंग के ऊपर क्लिक किया तो जो सही स्पेलिंग्स थे उसने हमें सजेस्ट कर दिया, मैंने इसे कर दिया क्लिक, वो चेंज कर दिया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से ये क्रिटिसाइज आ गया। फिर नेक्स्ट, अब जो सही स्पेलिंग है मैं यहाँ पे चेंज कर दूंगी, वो आ जाएंगे अंडरस्टैंड। फिर आता है हमारे पास नेक्स्ट, ये देखें यहाँ से ये अंडरस्टैंड चेंज हो गया। फिर उसके बाद आता है इमेजिनेशन, यहाँ से ये चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से अब हमारी ग्रामर एंड स्पेलिंग चेक हो चुकी है। नेक्स्ट, अब हमारे पास आती है ऑप्शन ग्रामर चेक। अब ये क्या होती है, जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगी, अभी यहाँ पे ये कैप्स लॉक पे लिखा हुआ। अब जैसे मैं यहाँ पे एक फॉर एग्जांपल क्वेश्चन लिखती हूँ, एक व्हाट इज अ गन स्टेप, ठीक है। अब मैं जब यहाँ पे इसको सिलेक्ट करती हूँ पूरे को, देन मैं जाती हूँ यहाँ पे स्पेलिंग एंड ग्रामर में, तो देखिए उसने कह दिया अभी हमारे यहाँ पे कोई भी गलती नहीं है, इट मीन कि हमारे ये डॉक्यूमेंट बिल्कुल ठीक है। यहाँ से अगर आपके पूरे डॉक्यूमेंट में कहीं भी कोई गलती होगी, फुल स्टॉप की या किसी भी चीज की गलती होगी, तो यहाँ से आप उसको चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट जी व्यूअर्स, नेक्स्ट हमारे पास आते हैं थेसॉरस। अब ये क्या होता है, देखिए फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अभी इमोरल है हमारे पास एक वर्ड। अब मैं चाहती हूँ कि मैंने इसका मीनिंग ढूंढना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये पब्लिश है, मैं जब इसके ऊपर क्लिक करती हूँ, सिलेक्ट करती हूँ, देन मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगी, तो ये देखिए आपको साइट पे नजर आ रहा है, इसमें जो है ये पब्लिश का, पब्लिश के सिमिलर वर्ड जो है वो हमें दे दिए, जैसे प्रिंटेड, इशूड, डिस्ट्रीब्यूटेड, ये मुख्तलिफ वर्ड हैं। आप इसकी जगह पे कोई भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे भी पब्लिश है, मैं यहाँ से कोई दूसरा वर्ड लेके फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे प्रिंटेड कर देती हूँ, ठीक है। प्रिंटेड के बाद यहाँ पे उसे मुख्तलिफ ऑप्शन दे दिए, पब्लिश में, रिप्रोड्यूस, रिटर्न, तो ये सारे प्रिंटेड के आ गए, ठीक है। मैं यहाँ से बैक करती हूँ, तो मुझे यहाँ पे सही अवेलेबल के, तो मैं जब यहाँ पे प्रिंटेड की करूंगी इसको, आपने करना है राइट क्लिक, तो यहाँ पे आपको सामने ऑप्शन नजर आ जाएगी, ये देखें जब मैंने प्रिंटेड के ऊपर राइट क्लिक किया है माउस से, तो यहाँ पे आगे इंसर्ट और कॉपी, तो मैं जब इंसर्ट करूंगी तो आप यहाँ पे देखिए जहाँ पे पब्लिश था अब वहाँ पे प्रिंटेड आ जाए। इस तरह यहाँ से आप सिमिलर वर्ड को लेके अपने डॉक्यूमेंट में किसी भी वर्ड के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है वर्ड काउंट। अब ये क्या होता है, ये देखें वर्ड काउंट। अब ये वर्ड काउंट क्या होता है, जैसे अभी मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है, मैंने जब वर्ड काउंट के ऊपर क्लिक किया तो ये देखें आपको यहाँ पे ये एक बॉक्स ओपन हो गया आपके सामने वर्ड काउंट का। अब ये क्या होता है, जैसे अभी मेरे पास पेज वन है, एक पेज मौजूद है, उसके ऊपर वर्ड कितने हैं, 82 वर्ड हैं। करेक्टर जो स्पेस के हैं वो कोई स्पेस नहीं है, वो यहाँ पे 412 है। करेक्टर्स विद स्पेस, स्पेस के साथ जो करेक्टर है वो 492 है। पैराग्राफ, कितने पैराग्राफ है हमारे पेज के अंदर मौजूद, 2 है। लाइन्स कितनी है, 14। तो ये सारे आपके आपके डॉक्यूमेंट की डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास आता है चेक एक्सेसिबिलिटी। अब ये क्या है, आप जब यहाँ पे माउस पॉइंटर लाके रोकेंगे तो आपको सामने ये नीचे बॉक्स नजर आ जाएगा, आप इसके बारे में यहाँ से भी जान सकते हैं। जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगी तो ये देखें यहाँ पे जब मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो साथ ही हमारे पास लेफ्ट साइड में एक्सेसिबिलिटी का बॉक्स ओपन हो गया, नो एक्सेसिबिलिटी इश्यूज फाइंड। अभी यहाँ पे हमारे डॉक्यूमेंट में कोई भी जो इश्यू है वो मौजूद नहीं है, इस वजह से इसने हमारा डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट नहीं किया। अगर यहाँ पे कोई भी आपकी गलती होती डॉक्यूमेंट में, तो यहाँ से जब मैं इसके ऊपर क्लिक करती तो वो आपकी गलती यहाँ पे साइड के बॉक्स में बनी हुई आ जाती और आप उसको यहाँ से करेक्ट कर सकते। नेक्स्ट हमारे पास आती है ट्रांसलेट। आप अब जैसे ये मेरे पास एक पैराग्राफ है, या पैराग्राफ छोड़ें, ये जैसे मेरे पास ये फर्स्ट लाइन है, ठीक है, मैं ये वाली लाइन यहाँ तक इमोरल तक सिलेक्ट करती हूँ, ठीक है, इमोरल तक मैंने इसे सिलेक्ट कर दिया। अब मेरे पास यहाँ पे मैं जब ट्रांसलेट के ऊपर क्लिक करूंगी तो यहाँ पे आगे हमारे पास मुख्तलिफ ऑप्शन खुल गए, जैसे ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट टू उर्दू पाकिस्तान, ट्रांसलेट सिलेक्टेड टेक्स्ट,
अब ट्रांसलेट सिलेक्टेड टेक्स्ट सैंपल, तो जो हमने टेक्स्ट सिलेक्ट किया होगा, अब देखिए यहाँ पे उस हमारे पास रिकॉर्ड बॉक्स खुल गया। टू ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट टेक्स्ट विल बी सेंट ओवर द इंटरनेट इन अ सिक्योर फॉर्मेट। अब ये टेक्स्ट हमारा चला जाएगा इंटरनेट पे। जब मैं यस करूंगी यहाँ से, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे सामने क्रोम खुल जाएगा, जहाँ पे ये डॉक्यूमेंट का सारा हमारे सामने डिटेल आ जाएगी। ये देखिए यहाँ से जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगी, देन ट्रांसलेट करूंगी, तो यहाँ से ट्रांसलेट सिलेक्टेड टेक्स्ट, यस, देन हमारे सामने वर्ड का, ये देखिए यहाँ पे साइड पे आपको नजर आ गया, एक बॉक्स ओपन हो गया हमारे सामने। ये देखिए अब यहाँ पे हमारा टेक्स्ट है और नीचे ये ट्रांसलेट है इंग्लिश टू उर्दू। अब उसने यहाँ पे जब कि इसकी ट्रांसलेशन पूरी बता दी कि ये जो लाइन थी इसकी ट्रांसलेशन क्या है, ये देखिए यहाँ पे नीचे आपको यहाँ ट्रांसलेशन नजर आ जाएगी। ये देखिए जो हमारी लाइन थी, जो सिलेक्टेड टेक्स्ट था हमारा, उसकी ये ट्रांसलेशन आ गई। अब हम यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं, यहाँ से हम इसको इंसर्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये था हमारा ट्रांसलेट टेक्स्ट। देन हमारे पास आती है लैंग्वेज, जहाँ से आप अपने डॉक्यूमेंट की लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। ये कमेंट्स वगैरह का सेक्शन मैं छोड़ रही हूँ, इसका बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं होती ज्यादा आपकी। उसके अंदर ट्रैक चेंजेस, आप अपने ट्रैक को चेंज भी कर सकते हैं यहाँ से। उसके बाद ये एक्सेप्ट है, यहाँ से ये मुख्तलिफ ऑप्शन है। ये वाले जो पोर्शन है, ये आपको बिल्कुल भी अभी किसी किस्म की जरूरत नहीं होगी, ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। अब हम नेक्स्ट चलते हैं व्यू की तरफ। अब व्यू क्या है हमारा, जैसे ये देखिए यहाँ पे रीड मोड है। अब यहाँ पे इस टाइम पे हमारे पास ये जो लर्न एंड अर्न है, रिव्यू टैब हमारा खत्म हो चुका है, ठीक है। अब बिल्कुल आपको रिव्यू टैब के जो जो मेन पॉइंट है, जो मेन फंक्शन है, वो मैंने आपको बता दिए। जो रह गए हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी जरूर, लेकिन अभी नहीं। अभी मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को जो मेन पॉइंट्स है वो पता चल जाए, ताकि टाइम वेस्ट ना हो हमारा और हम जल्दी से नेक्स्ट अपने सेगमेंट की तरफ शुरू हो सकें। तो अब नेक्स्ट हमारे पास आता है व्यू। अब हमारे पास आता है व्यू। जब मैं इसके ऊपर टैब के ऊपर क्लिक करूंगी, तो हमारे सामने व्यू के ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आता है रीड मोड। जब रीड मोड के ऊपर मैं क्लिक करूंगी, तो ये देखिए हमारे सामने अभी यहाँ पे जिस तरीके का मोड पे क्लिक हुआ था, वो उसका मोड चेंज हो गया यहाँ से। ये देखिए नीचे आपको नजर आ जाएगा, देखिए आप जब वर्ड ओपन करेंगे तो आपको, आप नीचे राइट साइड पे देखेंगे तो आपको ये थ्री ऑप्शन नजर आएंगे। ये मोड रीड मोड है, ये प्रिंट लेआउट है, और ये वेब लेआउट है। यहाँ से आप अपने डॉक्यूमेंट का साइज चेंज कर सकते हैं, जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। यहाँ से अभी रीड मोड पे है, ठीक है। तो मैं जब यहाँ पे प्रिंट लेआउट पे क्लिक करूंगी, तो हमारा टेक्स्ट ये देखिए प्रिंट लेआउट में चला गया। अब ऐसे हमारा टेक्स्ट ये प्रिंट लेआउट हो गया। देन यहाँ से मैं जब वेब लेआउट करूंगी, तो ये देखिए हमारे टेक्स्ट का लेआउट जो है वो चेंज हो गया। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है आउटलाइन और ग्राफ। जब मैं आउटलाइन करूंगी, तो ये देखिए इसकी साइड पे आपको बुलेट्स नजर आ जाएंगे। उसने ऑटोमेटिकली बुलेट्स डाल दिए, आउटलाइन बना दी हमारे टेक्स्ट को, आउटलाइन दी हमारे टेक्स्ट की। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आती है, यहाँ से बॉडी टेक्स्ट है, यहाँ इसके फॉर्मेट है मुख्तलिफ। आप यहाँ से खुद करेंगे, आपको इजी लगेगा, आपको समझ भी आएगी। जो मैं फंक्शंस बताती हूँ उनको आप जरूर परफॉर्म क्या करें, प्रैक्टिस क्या करें, ताकि आपको पता चले कि इसके अंदर क्या फंक्शन है, उनके कैसे परफॉर्म करते हैं। और अगर कुछ भी समझ ना आया करे तो मुझे ज़रूर पूछा करें कमेंट्स में। आप लोगों की कमेंट्स में वो मेरी स्ट्रेंथ है, तो आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट किया करें, मुझसे पूछा करें, मुझे मेरी गलतियाँ बताया करें। जो भी आप लोगों को समझ नहीं आया करे, मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों का कमेंट्स रीड करके। तो चलिए आइए अब अपना शुरू करते हैं। नेक्स्ट आउटलाइन हो गई। अब मैं यहाँ से क्लोज आउटलाइन कर दी, क्योंकि हमें अभी आउटलाइन की जरूरत नहीं है। देन हमारे पास ऑप्शन आती है रिव्यू में ड्राफ्ट की।
अब ये ड्राफ्ट क्या है, जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगी तो उसने ड्राफ्ट की सूरत में हमारा ये टेक्स्ट आ गया है। नेक्स्ट हमारे पास ये जो ऑप्शन है, ये ब्लॉक प्रीवियस की जरूरत भी नहीं है। अब ये जो आपको नजर आ रही है, ये देखें ये वाली ऑप्शन, अब ये क्या चीज है, ये देखें ये जो है हमारे पास रूलर, गाइडलाइन और नेविगेशन पैन, ये तीन ऑप्शन क्या है मैं आपको क्लिक करके समझाती हूँ। जैसे अभी यहाँ पे रूलर मैंने ऑन किया हुआ है, ठीक है, मैं जब रूलर को हटा देती हूँ तो ये देखें मेरे, आप ऊपर देखें, पहले मैं रूलर को लाती हूँ, ठीक है, हम पहले ये ड्राफ्ट खत्म करते हैं, पहले मैं ये ड्राफ्ट खत्म करती हूँ, प्रिंट लेआउट में लाती हूँ इसको, ठीक है, ये प्रिंट लेआउट में आ गया। देन हमारे पास ऑप्शन आती है व्यू में, ये देखिए ये थ्री ऑप्शन जो आपको नजर आ रहे हैं, रूलर, ग्रिड लाइन, नेविगेशन पैन। मैं जब रूलर के ऊपर क्लिक करूंगी तो ये देखिए आपको ऊपर स्क्रीन पर रूलर नजर आ जाएगा, ये देखें ऊपर यहाँ पे, ये ऊपर स्केल आपको नजर आ रहा है, ऊपर इधर अप पे ये देखें ये वाला स्केल यहाँ पे आ जाएगा, और साइड पे भी। यहाँ से आप अपने पेज के साइज को, अपने फॉन्ट के साइज को चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल फॉन्ट के जो लेआउट है, जैसे यहाँ पे अभी ये लर्न एंड अर्न, यहाँ पे मैं रूलर से इसको नीचे भी ला सकती हूँ, यहाँ से ये देखिए मैं इसे नीचे लाऊंगी तो ये नीचे जाता जाएगा, यहीं से मैं इसे जब ऊपर लाऊंगी तो रूलर के थ्रू ऊपर आ जाएगा, आप इसे ऊपर कर सकते हैं, यहाँ से साइड पे कर सकते हैं, लेफ्ट साइड पे कर सकते हैं, तो यहाँ से देखिए यहाँ पे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ से आप इसको अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आएंगे, उसके बाद मैं इसे यहाँ से ले करके देखें, ये लेफ्ट साइड पे होता जा रहा है टेक्स्ट हमारा, या फिर जितना मर्जी आपकी मर्जी, आप जहाँ पे इसको करना चाहते हैं आप कर सकते हैं इजीली। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आती है ग्रिड लाइंस। अब ये ग्रिड लाइंस क्या है, देखिए जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगी तो ये हमारे पास एक ग्रिड लाइन बन गई, कि हमें पता चल जाएगा कि हमारा टेक्स्ट इस टाइम किस फॉर्मेट पे है, सेंटर में है या नहीं है। अभी ये ऐसे है हमारा टेक्स्ट, ठीक है, यहाँ से ग्रिड लाइन के थ्रू आप अपने टेक्स्ट की फॉर्मेशन चेक कर सकते हैं। उसके बाद नेविगेशन पैन, यहाँ से ये आपकी हेडिंग, जो भी हेडिंग यहाँ पे मौजूद होंगी वो आपकी यहाँ पे आ जाएंगी। पेजेस, अभी यहाँ पे देखें वन पेज है, यहाँ पे अगर और पेजेस हो तो वहाँ पे हमारे पेज एड हो जाते हैं इधर। देन रिजल्ट, अब जो भी यहाँ पे टेक्स्ट का हमारा पिक्चर वगैरह होगी उसकी रिजल्ट यहाँ पे आ जाएगा। नेविगेशन पैन से ये होता है, हम इसको कर देते हैं खत्म। फिर हमारे पास ऑप्शन आती है जूम। अब यहाँ से जब मैंने क्लिक किया तो आपके सामने आप देख सकते हैं, ये देखें यहाँ पे एक बॉक्स ओपन हो गया, जूम टू 100%। अभी 100% जूम है, मैं यहाँ पे 75% भी कर सकती हूँ, 200% भी कर सकती हूँ। पेज विड्थ के हिसाब से करना है, टेक्स्ट विड्थ के हिसाब से करना है, आप जैसे भी करना चाहिए। होल पेज करना, मैं होल पेज करके 75 कर देती हूँ और ओके करती हूँ, तो ये देखिए हमारा टेक्स्ट, हमारा जो पेज है उसका साइज 75% हो गया। वन पेज, जब वन पेज पे करूँगी तो अभी तो है ही वन पेज पे, तो हमारा सारा जो डॉक्यूमेंट है वो वन पेज हो जाएगा। मल्टीपल पेज पे करूँगी तो मल्टीपल पेज, पेज विड्थ यहाँ से हमारी ये चेंज हो सकती है जितनी आप करना चाहें। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आती है ऑप्शन पेज की विड्थ, आप देख सकते हैं यहाँ से चेंज हो गई है, ठीक है। न्यू विंडो, यहाँ से आप अपनी न्यू विंडो ओपन कर सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे हमारे पास न्यू विंडो ओपन हो गई, ये देखिए हटते हैं हम इसे का, ये देखिए हमारे पास एक न्यू विंडो ओपन हो गई। उसके बाद हमारे पास आता है यहाँ पे व्यू में, व्यू में जाके हम देखें हमारे पास नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट आता है न्यू विंडो भी होगी, एवरेज ऑल और एवरेज हो जाएगा टेक्स्ट हमारा, ठीक है। उसके बाद स्प्लिट, जब स्प्लिट करेंगे हम तो हमारा टेक्स्ट, अभी यहाँ पे प्रिंट लेआउट से हम करते हैं, ठीक है, यहाँ से वर्टिकल हो जाएगा, यहाँ से पेज की विड्थ आप चेंज कर सकते हैं, 100% कर दें तो 100% हो जाएगी आपकी पेज की विड्थ,
यहाँ से जब स्प्लिट करूंगी मैं, ये देखें यहाँ पे आपके ऊपर एक ऑप्शन आती है स्प्लिट की, जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगी, अब देखें स्प्लिट क्या है कि जितना टेक्स्ट हमारा पेज के ऊपर मौजूद था वो वहां पे हमारा स्प्लिट होके नीचे आ गया। यहाँ से आप इसको बढ़ा भी सकते हैं, जैसे ये आ रही है ना अभी, यहाँ से आप इसको इसकी लेंथ बढ़ा भी सकते हैं, स्प्लिट होके आप बिल्कुल एक्यूरेट उतना ही आपका पेज टू टेक्स्ट आएगा जितना आपका है। देखिए यहाँ से यहाँ पर देखिए, यहाँ पे जब आप इसके ऊपर क्लिक करते जाएंगे ना, ये जो आपको लाइन नजर आ रही है एक, ये देखिए जब मैं इसको नीचे ड्रैग करती जाऊंगी तो यहाँ पे ये ड्रैग होती जाएगी। उसके बाद हमारे पास आता है जी, नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आती है स्विच विंडोज की। अब जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगी तो ये देखें यहाँ पे अभी आपके सामने एक ही विंडो अभी हमारी ओपन ही हुई है, दैट्स व्हाई वो अभी कोई ऑप्शन अप्लाई नहीं होगा उसके ऊपर। ये देखें जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगी, देखें तो यहाँ पे आपको नजर आ जाएगा स्विच विंडोज, क्विकली स्विच टू अनदर ओपन विंडो। अगर कोई और विंडो ओपन हुई होगी तो वो हमारी ओपन कर देगा, अभी हमारी एक ही विंडो है दैट्स व्हाई वो अभी ओपन नहीं कर रहा। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आती है प्रॉपर्टीज, ये देखें जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगी तो आपके सामने ये देखें कुछ इस तरह का बॉक्स ओपन हो जाएगा, जहाँ पे सबसे पहले आता है साइज, अभी हमने कोई साइज सेव नहीं किया हुआ, वर्ड्स हैं इसके, इसमें ये सारी इसकी जो डिटेल्स हैं आपके डॉक्यूमेंट की वो आपके सामने ओपन हो जाएगी। बैक कर देते हैं देन हम, उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आती है हेल्प की। हेल्प के ऊपर जब क्लिक किया तो आपको यहाँ पे ऊपर हेल्प, कंटेंट सपोर्ट, फीडबैक, शो ट्रेनिंग, ये मुख्तलिफ ऑप्शन आपके सामने आ जाएंगी, इनका अभी कोई काम नहीं होता ऐसे। तो डियर व्यूअर्स, ये था हमारा आज का लेक्चर, आज हमारा वर्ड हो गया है कंप्लीट। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा, और अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज मेरे चैनल लर्न एंड अर्न को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहें और आप उससे फायदा हासिल करते रहें। एंड वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो, सी या, बाय फॉर नाउ।